जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। आ गई माँ बाप की याद, बैराज बैश्रम कहाँ मर गए थे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बैठा होगा उस जादूगरनी के कदमों में और क्या। तलाक दे दी मैंने उसे, तलाक नाम है क्या? तलाक? ये क्या कह रही हो तुम फरहीन? मैं सच कह रही हूँ सर। और किसी ने उसको इतनी अहमक हरकत करने से नहीं रोका? आपके माँ बाप ने उसकी जिंदगी में इतना जहर घोल दिया था कि रिदा को छोड़ने में और इस रिश्ते को खत्म करने में ही उसने आफियत समझी। पछताएगा, बहुत पछताएगा ये। तुम देख लेना फरहीन, ये कभी खुश नहीं रहेगा। अरे रिदा जैसी लड़कियां नसीबों से मिलती हैं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ओए अल्लाह, अरे तुम ऑफिस से बड़ी जल्दी वापस आ गए हो भाई। अल्लाह तौबा, ये मनुस रिक्शे वाला गली के कोने पे मुझे उतार दिया और ये गली शैतान की आंत की तरह इतनी लंबी खत्म ही नहीं हो रही थी, मेरे पांव दुख गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा काम हो गया और ये लोग बर्बाद होंगे तुम देखना, तड़प तड़प के मरेंगे। आमिल बाबा ने गारंटी दी है मुझे इस बात। कौन आमिल बाबा? क्या ये क्या कह क्या रही हो तुम? अब किसको बर्बाद करने चली हो? उन्हीं लोगों को जिनने मेरे भाई की ना ये हालत कर दी है। उस्मान से तलाक का बदला लिया है, जादू करवाया उस पर। आमिल बाबा ने सारा अमल करके मुझे बताया है। खुदा के लिए बस करो, बस कर दो अब, छोड़ दो उनका पीछा। क्यों छोड़ दो उनका पीछा? तुम्हें किस चीज की हमदर्दी हो रही है उनसे भाई? हाँ हो रही है हमदर्दी। एक मासूम लड़की को बर्बाद कर दिया, उसका घर, उसका शौहर, उसका बच्चा छीन लिया उससे, सारी जिंदगी की माजूरी दे दी है तुमने उसको। ये तुम क्या कह रहे हो इकबाल? किस तरह के इल्जाम लगा रहे हो? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। और देख रही हूँ मैं तुम ना आजकल मुझसे दूर दूर रह रहे हो, बेजार हो गए हो ना। बताओ क्या बात है, बोलो। हाँ मुझे पता है, उन लोगों ने ना तुम पर भी जादू करवा दिया है ताकि हम भी बर्बाद हो जाए। मुझे पहले ही पता था ये सब उन्हीं की कारस्तानी है। बकवास बंद करो अपनी, ये सब तुम्हारी कारस्तानियों का नतीजा है। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे इकबाल? किस लहजे में बात करूं फिर? एक औरत जो अपने भाई की औलाद को कत्ल कर सकती है, एक जीती जागती लड़की को आग लगा सकती है, उससे किस लहजे में बात करूं मैं और क्या बात करूं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मैं बता रही हूं तुम्हें, मेरा यकीन करो। बस गवाह मौजूद है तुम्हारी सफवाकी को और तुम्हारे माँ बाप की संगदिली को, बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। कैसी औरत हो तुम? एक लम्हे को तुम्हारा दिल नहीं कांपा? मैं सच कह रही हूं, ये सब कुछ झूठ है इकबाल। इकबाल सुन तो लो इकबाल। या अल्लाह क्या होगा, क्या करूं? अल्लाह मियां तू बचा ले। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म खाना। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? सादिया ने आपके लिए दाल और सब्जी बनाई थी लेकिन मैंने आपके लिए हलीम बनाई है। वैसे तो आप इतना काम करते हैं, आपको अच्छी खुराक की जरूरत है। वैसे हमेशा अम्मी ने खाने का ख्याल रखा है। मैं जानती हूँ माएँ हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती, लेकिन एक वक्त तक, फिर बच्चों की जिम्मेदारी होती है अपनी माँ का ख्याल। मैं देखती हूँ खाला अकेले काम करते करते थक जाती हैं। सादिया मुंह से तो नहीं कहती लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका महके में दिल नहीं लगता। बेहतर यही होगा कि आप लोग उसकी बात को समझें, उसे रुखसत कर दें। इस वक्त उनके घर के हालात ठीक नहीं है, ये वाली बात करना मुनासिब नहीं होगा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, यही तो वक्त है। मैं तो बोलती हूँ कि आप खाला से बात कीजिए, इस वक्त उन्हें सादिया की सबसे ज्यादा जरूरत है और सादगी से सादिया को रुखसत कर दे। अम्मी से बात करूंगा। अरे अम्मी से बात करने की क्या जरूरत है, आप इस घर के सरबराह हैं, अपना फैसला सुना दें। वैसे भी
मुझे खाला उस दिन कह रही थी कि सादिया की शादी के साथ साथ आपकी भी शादी करा देंगे। इस घर को एक अच्छी बहू की बहुत जरूरत है। बात तो सही है। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं ना मसाले कम ही रखती हूँ खाला की वजह से, कि सेहत का ख्याल रखती हूँ ना इसलिए। शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपकी अम्मी है, मेरी खाला है, इससे ज्यादा करीब रिश्ता और क्या हो सकता है। ये तो है। एक और बार कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। सच कह रहे हैं ना, मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? अरे आप खाएं? नहीं आप खाएं, मैंने खा चुकी। बहुत शुक्रिया। फिर शुक्रिया। आपको अच्छी तो लगी ना अलीम। कोरोना से हलाक होने वाला उम्मीदवार भी कामयाब करार, अमेरिका में भी पाकिस्तान जैसे काम। हाँ अब्बा बहुत बुरा हुआ है पता है? क्या हो गया, क्यों इतनी घबराई हुई तुम? वो इकबाल है ना, इकबाल अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको ना लोगों ने बताया अब्बा कि वो किस्सा हो गया। अब्बा मेरा मतलब है जो लोगों को पता चल गया। क्या हो गया बेटा? अरे बयान रिकॉर्ड हो चुका है, हम सब बेगुनाह करार दिए जा चुके हैं, परेशानी की क्या बात है? तुम भी ना अजीब हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते, ऐसे कैसे गुजारा होगा? अरे बहादुर बनो बहादुर। अब्बा इकबाल मुझे बातें सुना रहे हैं ना? तो सुनाने दो, चुप करके सुनती रहो, थाने जाके पर्चा तो कटवाने से रहा तुम्हारे खिलाफ। हाँ मुझे से बात सुनो, किसी की नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना? ठीक कह रहे हैं। अरे हाय कैसी बुरी चाय है। साबरा खाला, अस्सलाम वालेकुम। साबरा खाला कैसी हैं? वालेकुम सलाम, जीती रहो खुश रहो। भाई सब खैरियत तो है? बहुत दिन हो गए ना तुमने चक्कर लगाया ना ही फोन किया। बस क्या बताऊं साबरा खाला, हमारे घर तो आफत आ पहुंची है। वो रिदा, अरे ये खबर तो पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी है कि रुखसाना की बेटी रिदा तलाक लेके घर आ गई है। बस हमारा घर तो इतना तंग हो चुका है, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। देखो भाई तुम्हें मेरा एहसास हो के ना हो, मुझे तुम्हारा बहुत एहसास है। तुम्हें तो पता है रिदा अब शादी के बंधन से आजाद हो गई है और सफीर के दिल में रिदा के लिए बहुत जज्बात है। मेरी बच्ची ऐसा ना हो कि तुम हाथ में हाथ धरे रह जाओ और रिदा और सफीर की शादी हो जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो भाई मुझे ये खबर तुम्हारे कान तक पहुंचानी थी, रिदा की तलाक के बाद उकसाना के घर में सफीर का कुछ ज़्यादा ही आना जाना हो गया। अभी भी वक्त है मेरी बच्ची, होश के नाखून ले ले, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ चलो ठीक है। आज तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। देर भी हो गई आज आने में। हाँ आज देर हो गई। पता है मैं आज कहाँ गई थी? बेगम अजीम के ऑफिस। बहुत अच्छी खातून है, छोटा सा इदारा चला रही है लेकिन बहुत बड़े काम करती है। वहां गई तो जाके एहसास हुआ कि मेरा दुख तो बहुत छोटा है, ये दुनिया तो दुखों के मारों से भरी हुई है। एक लड़की से मिली आज, उसके शौहर ने तो उसे छोड़ ही दिया लेकिन उसके भाइयों ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। हे? फिर क्या, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, अपने अगर हाथ झटक भी दें तो गैर थाम लेते हैं। बेगम अजीम जैसी खुदा तर्स सहारा बन ही जाती। इसलिए मैंने इरादा किया है कि मैं अनीक और आंटी से इजाजत लूंगी और उनका इदारा ज्वाइन कर लूंगी। अरे तुमसे पूछना ही भूल गई, खाना खाया? नहीं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी, तुम आओगी ना तो तुम्हारे साथ खाऊंगी। तो बताती ना अभी लेकर आती।
खाला, ये आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? आप कभी उनकी खबर ही नहीं लेते। बेटा, वो सादिया कह रही थी कि उसने किसी काम से जाना है और वापसी पे वृंदा की तरफ से होती आएगी। सफीर भी वहीं गया होगा। क्या मतलब है वहीं गया होगा? आपका बेटा कहाँ होता है आपको खबर ही नहीं है? हरा कैसी माँ है? और आपको तो पता है वहाँ बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है रिदा से उसका? और आप तो जानती हैं मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं। बेटा, मैंने मोहल्ले वालों की बातों पे कान धरना छोड़ दिया। उनको तो मौका चाहिए बात करने का। तो गलत थोड़ी कहते हैं, आपका कुंवारा बेटा और वो तलाक याफ्ता लड़की, वो फंसा के ले गई ना, तो आप बैठी देखती रहिएगा। तौबा तौबा, बहुत तेज है ये माँ बेटी। खाला, मैं तो आपको बता रही हूँ, मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। अच्छा बेटा, तुम किचन में जाके देखो ना, रात का खाना तैयार करना है। जी, खाना तो मैं बना लेती हूँ, पर आप लिख के ले लें, ये दोनों माँ बेटियाँ पहले सादिया को शीशे में उतारेंगी, फिर उसी के जरिए सफीर पे भी दबाव डालेंगी। अब बस ना डॉक्टर से जल्दी से टाइम ले लें, अब सर्जरी जल्दी से हो जानी चाहिए। सर्जरी में बहुत पैसे लगेंगे ना? तो तुम्हारा मसला थोड़ी है, कैसी बातें कर रही हो? कॉल आ रही है। सीधा चलो, आराम से रखो। जी मासूमा बाजी, सब खैरियत है? अजीब हो सादिया, घर से बाहर जाती हो तो भूल ही जाती हो। खाला कब से तुम्हारा इंतजार कर रही? तो भाई नहीं आए क्या? आए थे, खाना खा के चले गए रिदा का दिल बहलाने के लिए। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आए। नहीं आए? मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारे साथ होंगे रिदा के आंसू पोंछने के लिए। अगर वहाँ नहीं है तो कहाँ है? या तो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? खुदा हाफिज़। मैं घर जा रही हूँ, अभी तक भाई घर पर नहीं आया, मैं परेशान हो रही होंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सादिया, तुम वापस आओगी ना? हाँ हाँ, ये भी कुछ कहने की बात है, तुम्हें टेक लगवा दूँ, आराम से ले जाओ। चाय? अच्छा भाई, आने लगी तोबा, चाय में कितनी देर लगा देती हो तुम। एक मिनट। ये चूड़ियां कहां से आई? जहेज की तो नहीं है, परी में भी हमने नहीं चढ़ाई थी। ये अजहर ने बनवा कर दी है क्या? मेरी चूड़ियां वापस करें। मेरे बेटे की कमाई की चूड़ियां हैं ये, इन पर मेरा हक है। बस जाओ यहां से, जाओ मैंने कहा। दिखाए अम्मा। अरे हाय अम्मा, ये तो काफी भारी है। दुबई का सोना है। हाय अम्मा, इसमें से एक मैं रख रही हूँ, बस ये वाली। एक पहन के अच्छी लगोगी क्या? दोनों मेरे पास ही रहने दो। नहीं नहीं भाई, मैं अल्लाह, दोनों आ गए मुझे, बस मैं पहन के रखूंगी। आप वजह से क्या, आपको नई वाली बनवा दे बस।
ऐसे अम्मा एक बात बताएं, शक्ल देखी थी इसकी, लग रहा था कच्चा चबा जाएगी हमें। खैर, हमें कच्चा चबाने वाले अभी पैदा नहीं हुए। जल्दी जा रही हो? अम्मी परेशान हो रही है इसलिए जा रही हूँ। रिता का ख्याल रखिएगा, वो कुछ खुद से खाती नहीं है, उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। खिला दो। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से रिता अपनी जिंदगी की तरफ लौट रही है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, उसे टूटते बिखरते तो मैं खुद भी नहीं देख सकती ना। इस खुदा का शुक्र है उसने मायूसी की बातें करना छोड़ दी। तुम्हारी वजह से। आप सब मेरे अपने हैं। तो जल्दी से इस घर में आ जाओ, मैं तो बस दिन गिन रहा हूँ। अम्मी से बात करूंगा मैं। रिदा को सेहत आप तो होने दें। तुम आ जाओगी तो वो भी सेहत आप हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुमने रिजाइन दे दिया? अब क्या करोगे? मेरा मतलब जॉब के बगैर कैसे गुजारा होगा? पता नहीं, अब काम नहीं हो गया अंदर से। खुद को संभालो उस्मान। असलियतें करना बहुत आसान है। आप कुछ भी किसी बात का असर नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे वालिद से बात करना बहुत जरूरी हो गया है। शौक से आओ, कोई फायदा नहीं होता। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जिंदगी में ऐसे हादसात होते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे हौसला तो नहीं हारना चाहिए। मुझे बातें करना बहुत आसान है। 10 जिंदगी थी, चलेगी मुझे छोड़ दे। जिंदगी का क्या मकसद? जिंदगी मिलती है बेमानी, वो मेरी पनाह में थी। मैंने क्या किया उसके साथ? इतना मजबूर, इतना कमजोर पड़ गया। प्लीज उसे भूलने की कोशिश करो। कैसे भूलूं इसको? कैसे? अजय मैं वापस आ रही। लेकिन अभी मकान के सिलसिले में तो बहुत काम बाकी है ना, तुम उस्मान को कहो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। जो अपने होशो हवास से बेगाना है वो मेरी मदद क्या करेगा? क्या मतलब? उसकी जिंदगी उजड़ गई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अब कोई जिए या मरे। ये सही नहीं है। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? ये घर आए तो मेरी बात करवाना। कई कई दिन घर नहीं आता सर। क्या अम्मा अब्बा से तो मैं अक्सर बात करता हूँ, उन्होंने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। अम्मा अब्बा ने अपनी बहू की नफरत की वजह से अपना बेटा गवा दिया। मुझे तो डर है अगर मैं और यहाँ रही तो कहीं मेरे हाथ से सब कुछ ही ना उजड़ जाए। फरीन कैसी बातें कर रही हो? मैं उस्मान नहीं हूँ। यही तो डर है मुझे अजय, उस्मान के होते हुए इन लोगों ने रिदा को जला दिया। मेरा तो शौहर भी यहाँ नहीं है, मेरे साथ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। शान से किधर है, कैसी है वो? शान से बाहर गुड्डू के साथ खेल रही है, लेकिन मैं उसे कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ती, हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। बस मुझे नहीं पता मैं वापस आ रही हूँ सर, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम हौसला रखो फरहीन, सब ठीक हो जाएगा। आप कहाँ चले गए थे? ये फाइल ऑफिस रह गई थी, बस लेने गया था।
मैं कब से आपको कॉल कर रही थी, बंदा खैरियत ही दे देता है। वो जल्दबाजी में फोन घर पे रह गया था। तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपके कमरे में देखा तो आप नहीं थे, बहुत परेशान हो गई, मुझे लगा कि शायद आप रिदा के घर गए। नहीं नहीं। अच्छा है, बार बार वहाँ जाना भी अच्छी बात नहीं है, आप तो जानते हैं ना लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जानते हैं हमारे मोहल्ले वाले कैसे हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। वो मोहल्ले वाले कहते हैं कि रिदा की तलाक हो गई है, कोई गैर महरम उसकी तरफ जाए तो अच्छा नहीं लगता। सोमा रात बहुत हो गई है, सोने चली जाओ। जी मैंने आपके लिए जूस बनाया है, मैं आपके लिए लेके आऊं? नहीं। अरे आप जान से मार दूंगा इसको। खबरदार एक लफ्ज़ मत बोलना। तो जाती क्यों नहीं है ये? खड़ी हुई है, शक्ल गुम करो यहां से। क्या एहसास करो, मर्द बनो, क्या आवाज खो रहे हो अपने? शुक्र करे शक्ल पहचान रहा हूं आप लोगों की, वरना कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अभी तक नहीं उठी? नहीं, दवाई खाकर सोई थी ना, तो देर से उठेंगी। मम्मी कह रही थी तुम कल बेगम अजीम के दफ्तर गई थी। जी भाई, बहुत अच्छी खातून है, दुनिया की ठुकराई हुई औरतों के दुखों पर मरहम रखती है, उनका सहारा बनती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, दुनिया में वैसे भी आजकल बड़ी कमी उन लोगों की दिल में दूसरों का एहसास रखती। जी इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी उनका इदारा ज्वाइन कर लूंगी। वैसे सादिया तुम रिदा क्यों नहीं साथ लेके जाती? मसरूफ रहेगी, उसका भी दिल बहल जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं दुखों को बुलाकर जिंदगी की तरफ वापस लौट आए, मैं माजी की कैदी ना बने। जो कुछ हुआ वो जिंदगी का सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। ठीक कहती हो तुम, मैं सिलसिले में रिदा से बात करूंगा। थोड़े थोड़े सारे सारे आते जाते ये धारे पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे सांसें हैं रुकती गम को हायूं हायूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ख्वाहिशों की तस्वीरों से
से जुड़ जाते हैं। कुछ भी ना बोले, होठों को सी ले, जीना जो चाहे मर मर के जी ले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने हारा है, जिस जिंदगी को चाहा बात है रिदा। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? पता नहीं ये क्या बात है? मुझे लगता है मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं ना रिदा, प्लीज हौसले से काम लो। नहीं पता मुझे कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है, समझ नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है। मेरी सादिया से बात हुई थी, वो तुम्हें कल लेने आएगी, उसके साथ जाना, लोगों से मिलना, लोगों के मसले सुनना और ये मसलों का हल ढूंढने की कोशिश करना। तुम देखना तुम खुद जिंदगी की तरफ लौटने लगोगे। कल तैयार है ना? अरे आप यहाँ हैं? तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। मेरा मतलब ये था कि तुम्हें तो आना चाहिए और रीता को तो दोस्तों की जरूरत है, वक्त निकाला करो और रीता के साथ आके वक्त गुजारा करो। देखो रीता, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन दुनिया में सबके साथ बुरा, अब तो मुझे ही देख लो, मैं भी तो अकेली ही रह गई। वैसे सफीर कब निकलने का इरादा है? बस थोड़ी देर। यकीनन आपने आंटी और अनीक को सलाम भी नहीं किया होगा, जाके सलाम तो कर ले। जब आना होगा मैं आ जाऊंगा, तुम घर जाओ। तो तुम? हाँ
ऐसा कभी हुआ है कि आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं? मेरा भी यही दिल चाहता है कि आप और मैं कहीं दूर चले जाएं, जहां और कोई ना हो। आप चलिए मेरे साथ, आए आए, चलिए मेरे साथ, उठे उस्मान, उस्मान। अरे भाई देख के नहीं चलता है क्या? अरे भाई खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। इसको क्या समझ आपकी आवाज़? नशे में है तो घर जाए ना, इधर क्या कर रहे हैं? दिमाग खराब किया हुआ है। सुमान, सुमान, बोलो। सुन रहा हूं। बाप से बात करने की तमीज भी भूल गए हो क्या? अरे आधा दिन गुजर गया, कुछ एहसास है? जिस काम से आए वो बात करें। तनख्वाह चाहिए थी, तनख्वाह कहाँ है? कितने खर्चे सर पे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, को जवाब तो दो। हाँ सुन लिया मैंने, जवाब नहीं है मेरे पास। अरे बके जा रहे हो, सीधी तरह बताओ भाई, तनख्वाह कहाँ है? इतने दिन ऊपर क्यों चढ़ गए? पैसे नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं आप? इसके पास पैसे नहीं है? खाना पैसे नहीं है मेरे पास। इससे कहो कि दूर हो जाए मेरी नजरों के सामने से, चौन से मार दूंगा इसको। खबरदार एक लफ्ज़ मत बोलना। तो जाती क्यों नहीं है ये? खड़ी हुई है, शक्ल गुम करो यहां से। क्या एहसास करो, मर्द बनो, क्या आवाज खो रहे हो अपने? शुक्र करे शक्ल पहचान रहा हूं आप लोगों की, नकसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। ये डायलॉग बाजी बंद करो और इंसान के बच्चे बन जाओ। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? जख्म देते और फिर चीखने भी नहीं देते। चाहे यहां से। और आप, अरे आप तो मां थी मेरी, अपनी औलाद की जिंदगी अपने हाथ से बर्बाद कर दी, आपको जरा ख्याल नहीं आया ना मेरा? आंखें तमाशा देख रहे। नहीं उस्मान, अकेला छोड़ दे मुझे, जाएं अपना काम करें। खाला मैं हर हर बार इस्तेमाल कर चुकी, लेकिन फिर भी मैं सफीर को रोक ही नहीं पा रही हूँ रेता के घर जाने से। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। दिन ब दिन सफीर के दिल में रिदा के लिए हमदर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। मेरी मानो तो तुम जाके सीधा सफीर के सामने अपना हाल दिन बयान कर दो। साबरा खाला, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो मेरे इंतजार में बैठा था। उसके दिल में कभी वो मोहब्बत नहीं देखी, कभी वो चाहत नहीं देखी जो मैं उसके लिए रखूं। भाई तुम्हारा मामला तो बिगड़ता जा रहा है, तो आप कुछ करें ना, कोई हल तो बताएं। इसका एक हल है, अगर तुम सफीर के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रही हो ना, तो तुम्हें रिदा के दिल से हमेशा हमेशा के लिए सफीर को भी निकालना होगा। क्या मतलब साबरा खाना, मैं समझी नहीं। तो मैं समझाती हूँ। तुम रिदा के दिल में ऐसी गलत फहमियां पैदा करो कि वो सफीर को अपना हमसफर चुनने के बारे में सोचे भी नहीं। साबरा खाना, आप तो बड़ी समझदार निकली।
जी अम्मा जी, जी जी मैं जल्द आऊंगा, आप मेरी छोड़ें, आप अपनी बताएं। शुक्र है अल्लाह का। हाँ आपको तो पता है इस नौ से ज्यादा माहौल में दिल ही नहीं लगता मेरा, बस नौकरी की मजबूरी नहीं होती तो जल्द आ जाता आपके पास। नहीं चक्कर लगाऊंगा ना मैं, आप बस अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। ये क्या कह रहे थे? जो कुछ कह रहा था तुम्हारे मुंह पर कह रहा था और बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो एक बात बताओ, हम घर वालों की परेशानियों का एहसास किए बगैर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? तुम लोगों की परेशानियां तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये तो हमेशा रहेंगी। तो इसका मतलब मैं अपनी माँ से मिलना छोड़ दूं? अल्लाह ना करे कि हमारे घर की परेशानियां कभी खत्म ना हो। कैसी बात कर रहे हो इकबाल? जो बोया जाता है ना वो काटना भी पड़ता है काशफा बेगम, लेकिन ये बात तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप की अकल में नहीं आ रही। बहुत बड़ा जुल्म किया है तुम लोगों ने उस बेचारी लड़की के साथ। हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, ये उसकी अपनी गलतियां हैं। हड हराम थी इसीलिए उस्मान ने तलाक दे दी, और तलाक देने से पहले हमसे मशवरा नहीं किया था कि मैं तलाक दूं या ना दूं, इसलिए इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और हाँ, उस्मान ने नौकरी छोड़ दी है, और वो जो अजहर की बीवी है पता नहीं, वो तो बैठी गई है, घर खरीद ही नहीं रही है। अब्बा के पास पैसे ही नहीं है बेचारे, कहाँ से किराया भरेंगे? हाँ तो ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही है? तुम्हें क्यों ना बताऊं? क्या तुम इस घर के मेंबर नहीं हो, हिस्सा नहीं हो इस घर का? देखो मैं नहीं जा रहा, मेरे ख्याल में जो वो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, करने दो उसे। जाओ जाके उस्मान से बात करो, उसे दोस्ताना अंदाज में समझाओ कि उसका नौकरी करना बहुत जरूरी है भाई। क्यों समझाऊं, बच्चा है वो। मैंने कहा ना, बस तुम उठो जाओ, समझाओ जाके उसे। उठो, तुम भी ढीठ हो, कम नहीं हो। मासूमा समझो कि खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली, जो बनी बनाई बात बिगड़ गई। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा किसी और जगह रिश्ता तय कर देंगी, और तुम सर झुका के हाँ बोल देना। ना मैंने पहले चुपचाप उनके सामने सर झुकाया था, ना अब ऐसा कुछ होने दूंगा। बस तुम वापस आ जाओ, या अपनी खाला का एड्रेस बताओ, मैं अपनी अम्मी को भेजता हूँ रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ और तुम्हारी अम्मी तुम्हारा कहना मान जाएंगी और रिश्ता लेके आ जाएंगी मेरे घर। अरे मासूमा मेरा एतबार करो, उन लोगों ने लालच में आकर रिश्ता खत्म कर दिया है, उन्हें एक अमीर घर का रिश्ता मिल गया था, बस इसी बात ने अम्मी की आंखें खोल दी। अब वो तुम्हारे बारे में कभी इनकार नहीं करेंगी, बस तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, एड्रेस भेजो। बात सुनो मेरी कान खोल के, ठीक है? मेरी खाला भी कोई आम औरत नहीं है, ये बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है हमारे घर, और वैसे भी वो मुझे किसी बहुत अमीर घर में बयाना चाहती है। अरे मासूमा ये तुम क्या कह रही हो? मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी अम्मी को हर हाल में राजी कर लूंगा। तुम भी अपनी खाला से बात करो, उन्हें मनाने की कोशिश करो। अच्छा देखूंगी। क्या मतलब? क्या मतलब? जाहिर है मेरे लिए मेरी खाला से किसी गैर लड़के के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी वो बहुत सख्त मिजाज की हैं। अच्छा अब सुनो, मैं जा रही हूँ, किसी ने सुन लिया ना, किसी को शक भी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आईना मुझे फोन मत करना तुम। अच्छा मेरी बात तो सुन लो तुम। अच्छा बाद में सुनूंगी ना, अभी मैं फोन रख रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। क्या मुसीबत है, दिमाग ही खराब कर दिया, पता नहीं ये अचानक से काटता पड़ गया। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।